ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापी के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय जोशी द्वारा अपने जन्मदिन पर अम्बेठी गांव में फ्री डायबिटिक कैंप का आयोजन कर रहे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कैंप का लाभ लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 20 नवंबर के दिन अगले सप्ताह बुधवार को हम एक डायबिटीज का फ्री कैंप करने जा रहे हैं और वो हम वापी के बाजू में गांव है वहाँ करेंगे। ये फ्री डायबिटीज का कैंप जो है उसमें सब सुविधाएं उस दिन दी जाएंगी। डायबिटीज के पेशेंट्स को, क्योंकि डायबिटीज है तो ब्लड शुगर से लेके ब्लड प्रेशर तक का सब चेकअप होगा और जिसको जिस तरीके से दवा की ज़रूरत हो, मुमकिन हो तो वो दवाइयाँ भी हम उनको देंगे। ये कैंप 20 तारीख को हम जो करने जा रहे हैं 20 नवंबर को, वो मेरे लिए एक सिंबॉलिक है। 20 नवंबर मेरा जन्मदिन है, आई विल बी 75 ऑन दैट डे, 75 का हो जाऊंगा। तो हमने ये सोचा, हमने मतलब मैं और मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर अंजना बेन, कि इस बार बर्थडे का सेलिब्रेशन कुछ अलग तरीके से करें। आमतौर पे क्या होता है, जन्मदिन का सेलिब्रेशन होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, केक काटते हैं, पार्टी होती है, गाना बजाना होता है, फटाके फूटते हैं और डेकोरेशन रोशनी होता है और ये सही है कि हाँ भाई बर्थडे का सेलिब्रेशन ऐसा भी होता है, वो होना चाहिए, ठीक। लेकिन एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि बर्थडे का सेलिब्रेशन ऐसे करें कि किसी के साथ हमारी खुशियों को बांटें और उसमें हम अपनी खुशी को महसूस करें। तो हमने ये सोचा कि इस समय ये बर्थडे का सेलिब्रेशन, क्योंकि मैं डायबिटीज़ का काम करता हूँ तो डायबिटीज़ के हमारे जो पेशेंट हैं उसके साथ बिताएं, उस दिन उसकी सेवा करें, उस दिन उनका इन्वेस्टिगेशन से लेके दवाओं तक का जो काम है वो हम करें और हमारी खुशी उनकी खुशी के साथ मिला करके हम बांटें, महसूस करें और जन्मदिन का सेलिब्रेशन करें। ऐसी भावनाओं का आना स्रोत की ज़रूरत है, इट हैज़ टू बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कहीं से ये आपको आ रहा है कि आप ऐसा काम करने की सोच रहे हैं। हमारे लिए मतलब मैं और मेरे धर्मपत्नी अंजना बेन, डॉक्टर अंजना बेन, इसमें मैं तीन नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे गुरुजी जो अहमदाबाद में रहते हैं, जीतू भाई मीनेवाला उनका नाम है, और आज से 3 दशक पहले, समझिए 3 साल पहले, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हाँ डॉक्टर जोशी आप डायबिटीज़ का काम शुरू करो। और हम सब जानते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम तो यही कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। तो इन्होंने गोविंद तो नहीं बताया लेकिन मुझे कहा कि आप डायबिटीज़ का काम करें और शायद उसी के आशीर्वाद से हम डायबिटीज़ में आज इतने आगे निकले हैं। तो सबसे पहले उनका नाम लूँगा। दूसरा नाम मैं लूँगा शास्त्री जी का, केपी शास्त्री जी सूरत से। केपी शास्त्री जी सूरत से जे हमारे साथ 10 साल से हैं, वो उन्हीं से हमने सीखा कि अगर सेवा करना है तो कैसे करोगे सेवा का काम, अगर किसी को करना हो तो केपी शास्त्री जी से सीखना है। पर्दे के पीछे रह के भी आप लोगों की सेवा करें, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये सेवा का काम कहाँ से आया। शास्त्री जी सूरत में हैं, कड़ोदरा में मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। केपी शास्त्री जी के बारे में मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ कहूं, उनका बखान करूं, वो सही नहीं होगा। वो इसीलिए कि अगर मैं ऐसी चेष्टा करूंगा तो ये सूरज को एक मोमबत्ती जला के दिखाने के लायक हो जाएगा। अब कहाँ सूर्य का प्रकाश और कहाँ एक मेरे जैसी छोटी सी मोमबत्ती। तो मैं शास्त्री जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन मौका है, प्रसंग है, समय है तो आपसे इजाज़त लेके 2-3 बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा केपी शास्त्री जी के बारे में। कि एक समय था, देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा भी गुजरा है कि हमारे केपी शास्त्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी वो रूममेट्स थे, एक रूम में वो साथ रह चुके हैं। और ऐसा भी एक समय आया था
पुराने समय की बात है कि हमारे योग गुरु हैं बाबा रामदेव, वो भी शास्त्री जी के साथ अपने रूम शेयर किए हुए, मतलब वो भी उनके रूममेट थे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज भी वो सब, वो दोनों स्वामी जी को, शास्त्री जी को उतना ही प्रेम करते हैं, उतनी ही मोहब्बत करते हैं और उसके उतने ही नज़दीक हैं। तो शास्त्री जी से ये हमें सीखना है कि इतने बड़े होने के बाद भी कितने सरल, कितने मधुर हैं और कितनी आसानी से वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में सेवा का काम कैसे किया जाए। मैंने कहा था मैं 2-3 नाम लूँगा, एक तीसरा नाम अगर मैं नहीं लूँ तो ये अधूरा हो जाएगा, और वो हैं, नाम है वो मुंजाल। मुंजाल मेरे बेटे का नाम है, ही इज़ माई सन, आई एम इज बायोलॉजिकल फादर, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है, लेकिन वी आर मोर फ्रेंड्स देन फादर एंड सन, हम दोस्त ज़्यादा हैं और पिता और बेटे कम हैं, और बहुत सारी बातों में ही इज़ माई बैकबोन, उनका हमारे ये कार्य में प्रभाव रहा है। जैसा मैंने कहा कि अगर आज मैं जिंदा हूँ यहाँ तो हमारे धर्मपत्नी डॉक्टर अंजना मेन की बदौलत है, वो जो खाना खिलाते हैं, वो जैसे रहते हैं, हम रहते हैं, वो हमारा घर, हमारा संसार हमें चलाते हैं, और आज तक जिंदा रहने का पूरा श्रेय डॉक्टर अंजना मेन को जाता है, वो तो है ही है क्योंकि वो हमारी धर्मपत्नी है। लेकिन आज मैं अगर समाज में खड़ा हूँ और ये सब काम कर सकता हूँ तो उसमें मुंजाल का भी बहुत बड़ा रोल है, वो मैं ना नहीं कह सकता। लेकिन इससे भी आगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये सब काम करने में ईश्वर की, भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है। देखिए आज का ज़माना क्या है, आज समय ऐसा है कि शाम को एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ कहीं बाज़ार में सब्जी खरीदने जाती है तो 100 रुपये की सब्जी एक मुट्ठी में लेके आती है, इतनी महंगाई आज है। मान लीजिए मकई से लेकर मर्सिडीज तक सबके भाव आज इतने ऊपर चले गए हैं। मुझे डर है कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऐसा हो कि अगले 2-5-10 साल में ऐसा हो कि गृहिणी 100 रुपया लेके जाए और एक मैच बॉक्स लेके जाए, उसमें सब्जी भाजी खरीद के लेके आए। पता नहीं समय समाज में कहाँ ले जाएगा। तो ये ज़माने में इतनी महंगाई में कोई भी चीज़ सस्ती मिलना, आसानी से और सस्ती, और वो भी अच्छी, वो चाइनीज़ माल नहीं कि सुबह लिया शाम को टूट गया, कोई भी चीज़ सस्ती और अच्छी मिलना नामुमकिन के बराबर है। और साहब अगर मुफ्त में मिल जाए, फ्री में, तो वो तो ईश्वर की, भगवान की कृपा ही हो सकती है। हम ये फ्री डायबिटीज़ का कैंप जो करने जा रहे हैं, जिसमें हम दवाओं का वितरण करेंगे, टेस्ट पास करेंगे, पेशेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और सेवा करेंगे, ये ईश्वर की कृपा ही मैं मानता हूँ। और आज आपके सबके साथ में मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि मैं ईश्वर को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, जीसस क्राइस्ट को प्रार्थना करता हूँ कि भाई ऐसा करने की क्षमता और शक्ति हमें दे ताकि आगे चल के भी हम इस प्रकार के काम कर सकें। अम्भेटी जो गाँव है जहाँ हम ये कैंप करने जा रहे हैं, वापिस से 10-11 किलोमीटर है, वहाँ के लोग और आसपास के लोगों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई 20 नवंबर को आप ज़रूर आइए, हमारी सेवा का लाभ लीजिए और हमें आपकी सेवा करने का एक मौका दीजिए। आपकी सेवा करने में हमारी खुशी, हमारा आनंद छुपा हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमें वो आनंद दें, आपकी सेवा करने का मौका दें, 20 नवंबर को ज़रूर आप आइए और ईश्वर की कृपा से प्रार्थना करिए कि ऐसा काम हम आगे भी करते रहें जिससे ऐसी हमारी क्षमता भी हो और हमारी हिम्मत भी हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय स्वामी नारायण। आज ऐसा हृदय से आनंद हो रहा है कि सारे संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो छोटे से छोटी सेवा करने के लिए उसका प्रागट्य होता है। हमारे डॉक्टर जोशी, उन्होंने एक ठान रखी है, जब से हो स्कूल कॉलेज में दाखिल हुए तब से उसके क्लास में गोल्ड मेडल दूसरे को तो मिलता ही नहीं था। उन्होंने जहाँ जहाँ भी एजुकेशन में पाँव रखा, चाहते इतने आगे बढ़े, MBBS में भी उसका गोल्ड मेडल, MS में भी उसका गोल्ड मेडल, डायबिटोलॉजिस्ट में भी उसका गोल्ड मेडल। आज मैं तो वही कहूँगा कि किसी को हाथ में बड़ा नंग आता है, कोई डायमंड आता है, लेकिन डायमंड जो है उसके ऊपर कोई कवर हो जाता है
तो कवर से डायमंड दिखता नहीं है। ऐसे वापी जैसे सिटी में इतने बड़े डायमंड जैसे हमारे डॉक्टर जोशी इस संसार को दिखे या ना दिखे, लेकिन उसकी सेवा भावना से वो सारे संसार में व्याप्त है। हमारे वेदांत में लिखता है कि आत्मा नाम विभुत्वम, आत्मा सारे संसार में फैला हुआ है, सब जगह पर है। कैसे होता है? कर्मत्वेन व्याप्तत्वम, कर्म से सारे संसार में होते हैं। वैसे ही हमारे डॉक्टर जोशी और हमारे बहन जी डॉक्टर अंजना जोशी जी दोनों ने ये काम किया है कि मैं आज 17 साल से उसके परिचय में हूँ। आप मुझे ही पेशेंट के रूप में देखिए, 27 साल से मुझे खुद को डायबिटीज है, और आप नहीं मानोगे, एक दिन मेरा डायबिटीज मेरे अपने मशीन में नापा 642 तक आया था। भाग के हॉस्पिटल में गया कि मेरी मशीन ख़राब है, वहाँ भी 645 तक बढ़ा। उन्होंने कहा आज कार्य पूरा हो गया, लेकिन डॉक्टर जोशी ने मेरा हाथ थामा है, डायबिटीज़ का हाथ थामा है। आज मैं स्वस्थता से घूमता फिरता हूँ, कभी डायबिटीज़ के हिसाब से मैंने 2 मिनट आराम नहीं किया। जब भी डायबिटीज़ का बात आता है तो जैसे कोई बादशाह ने बताया, अरे ये भेड़ बकरी जो है वो आपको पालो, उसको खूब खिलाओ, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक बुद्धिमान था, उन्होंने सोचा कि नहीं बढ़ेगा, चलो मुझे दे दो। तो 8 दिन तक बदाम काजू बादाम खिलाना है उसको, खिलाएंगे। तो काजू बादाम खिलाया, फिर उसके सामने सिर रख दिया, भरपेट खा लेती हैं, सिर हूँ करता है, सारा वेट चला जाता है। वैसे ही हमारे डायबिटीज़ का नाम आता है तो हम डॉक्टर जोशी को बता देते हैं, डायबिटीज सुमंत्र होकर भाग जाता है। आज सारे संसार में उन्होंने जो प्रयास किया है, बचपन में सब पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ाई छूट गए बाद में पढ़ाई करने वाला संसार में बहुत कम व्यक्ति होता है। समझो हम 130 करोड़ हैं, इसमें से आप 10 व्यक्ति को नहीं पकड़ पाओगे कि जो एजुकेशन समाप्त करने के बाद भी पढ़ता है। डॉक्टर जोशी ने, मैंने 65 साल की उसकी आयु से आगे पढ़ते पढ़ते आज भी वो कंप्यूटर के साथ पूरे विश्व में, मुझे गौरव है कि 46 कंट्री जाके डायबिटीज़ का कार्य करना, वहाँ चिंतन करना, वहाँ कुछ देना है। और उन्होंने जो जो रिपोर्ट लिखा है, जो PhD किया है, वो अद्भुत खजाना उसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया है। 46 कंट्री में आज डायबिटीज़ के सामने विदेश के भी डॉक्टर, जो डायबिटोलॉजिस्ट होता है, वो भी सलाह मशवरा करने के लिए डॉक्टर जोशी के पास आते हैं। ये रत्न, मैं तो सौभाग्य से कहता हूँ कि हमारे गुजराती हैं, सौभाग्य से कहता हूँ कि पूरे संसार में आज मुझे मेडिकल लाइन में यदि डॉक्टर जोशी को एक स्थान पर बैठाया जाए तो पूरा राष्ट्र डायबिटीज मुक्त हो सकता है। उनके लिए, उसके साथ साथ अंजना बहन भी हर दफ़े व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं भेजती रहती है कि दीदी किडनी खराब है, डायबिटीज़ का एक पार्ट है कि किडनी खराब है। तो जोशी जी का, अंजना बहन का एक व्हाट्सएप आपको आ जाएगा, धनिया का रस पियो, ये हो गया तो ये करो, ये हो गया तो ये करो। ये सब्सिडरी दोनों दंपति एक विषय से इतना आगे बढ़े, ये संसार में नहीं हो सकता है। मैं तो इस कैंप में, हर कैंप में मैं साक्षी रहा हूँ, जो डायबिटीज़ के मरीज़ वहाँ आएंगे उसमें से कई ऐसे मरीज होंगे कि जो आर्थिक रूप से पछाड़े हैं, तो डॉक्टर जोशी उसको एडॉप्ट करते हैं, दत्तक लेते हैं, और वो जब तक जिए, और हमारे जोशी साहब जब तक कार्य कर रहे हैं, लार्ज टाइम वो उसको फ्री दवाई देंगे, हर महीने 6 महीने में उसको चेकअप करवाएंगे और उसको ठीक करेंगे। आज हमारे कपड़ाड़ा, आज हमारे जो पूर्व पट्टी है, हमारा डांग जिला है, वहाँ से लेके हमारा महाराष्ट्र की बॉर्डर के तक और हमारा उमरपाड़ा तक, सारे संसार में उन्होंने कैंप किया है। मैं, आप मानोगे, एक कैंप में 400 दर्दी आता है, 300 दर्दी आता है, 600 दर्दी तक चेक किया है मेरे सामने, और साल में 4 कैंप करते हैं। हिसाब लगाओ, आज पूरा 17 साल से वो कैंप कर रहे हैं, कितने दर्दी हुए, इसके बावजूद
ये तो उनके पास आने यहाँ वापिस तक फिर ट्रीटमेंट लेने को भी आता है। वैसे तो आज 11,000 से ऊपर पेशेंट हमारे डॉक्टर जोशी ने सबको ठीक किया है, डायबिटीज़ मुक्त किया है। ऐसा नहीं है, उसकी समझावट देखो, एक ऋषि मुनि का जीवन जो होता है ना, वो इनका जीवन है। तो ऋषि मुनि की संतान ही मुंजाल हो सकती है, बाकी ऐसे संसार में डॉक्टर मिला छोड़ लड़का मिलता ही नहीं है। मैं मुंजाल को, दूसरा लड़का जो है उनको, सबको बहुत अभिनंदन के साथ, बहुत धन्यवाद के साथ कहता हूँ कि मैं एक गेरुआ कपड़ा से वो एक बात आपको नहीं सुनाता हूँ कि यदि भगवान प्रकट हो जाए और बोले कि तुम्हें पुनर्जन्म लेना है तो तुम्हें माँ बाप की सिलेक्शन करो, तो मैं तो कहूँ हर व्यक्ति को कहता हूँ कि किसी को माँ बाप की आवश्यकता है, मांगने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर जोशी और अंजना जोशी के घर पे वो लड़का के रूप में आए। ऐसे ही व्यक्ति संसार में कुछ करके जाते हैं, और उसका एक मंत्र है कि स्वामी जी इतनी आयु हमारी हो गई दोनों की, अब क्या करना है, अब तो कुछ पीछे हटो, अब तो कुछ करो। सारे संसार को प्रेरणा देते देते आज वो इतने व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं कि इतने पेशेंट तो मेरी साक्षी में, मेरी हाजिरी में वो उन्होंने ठीक किया। इसके उपरांत कहीं ऐसे व्यक्ति आया, साहब जी ये प्रॉब्लम है ले जा, अरे यहाँ से लेके जूनागढ़ जाओ, जूनागढ़ अभी मैंने एक पेपर वो अखबार पढ़ा उनकी फाइल से, जूनागढ़ में अंबाजी माता का मंदिर है, जूनागढ़ में ऐसी गरीब व्यक्ति की संस्था चल रही है, जोशी साहब वहाँ डोनेशन दे रहा है, ज्ञान तो दे रहे हैं, ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक व्यवस्था से दान भी देते हैं। मेरी पास एक उमरपाड़ा आदिवासी विस्तार में गौशाला और संस्था है, वैसे गौशाला पांजरापोल संघ जो चलता है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इस नतीजे से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे गाय के पंचगव्य से जो भी दवाई बनी है एलोपैथी में कहाँ कहाँ है, वो किसी ने निदान किया हुआ है, तो मात्र डॉक्टर जोशी ने निदान किया हुआ है। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक और हमारी पंचगव्य की सारी ट्रीटमेंट उन्होंने संसार को इस प्रकार से मड़के लपेट के दी है। क्या संसार में, मैं तो कहता हूँ एक ही व्यक्ति खड़ा हो जाए, एक शेर खड़ा हो जाए तो हजार गिदड़ की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे एक डॉक्टर जोशी हमें मिल गया है। हम पूर्ण संतोष से इस कैंप में भी सब मिल के आओ, और कैंप में अगल बगल के गाँव को मैं एक संत के रूप में आपको आज्ञा देता हूँ कि आओ इस कैंप में, आप बड़ी श्रद्धा से भाग लो, आपका हर दर्द भाग जाएगा, हर दर्द से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसे वापी के आंगन में और अम्बेटी में एक कैंप हो रहा है, अम्बेटी गांव भी भागशाली है, अम्बेटी गांव के सारे वैभवकर्ता और अम्बेटी गांव के अगल बगल के, और ये जो अभी मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो टीवी चैनल वाला भी भाग्यवान है कि आज डॉक्टर जोशी का ऐसा पावन कार्य में आपका भी सहयोग मिला। आपको भी धन्यवाद, अम्बेटी गांव को भी धन्यवाद, अगल बगल वापी के पूरे इलाकों को सबको धन्यवाद देते हुए सबको जय स्वामी नारायण। आप कैंप में पूरी पूरी लाभ लीजिए, ऐसी आपको प्रेरणा देता हूँ। अस्तु, धन्यवाद, जय स्वामी नारायण, जय भारत।